आज लगभग सभी लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक तरह से पैसों के पीछे भागना जायज भी है, क्योंकि आजकल पैसों के बिना कोई काम नहीं होता। आज के दैनिक जीवन में हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। आज हम आपको हमारे भारत देश के रुपए के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं, जो आप शायद इससे पहले भी जानना चाहते थे। आज भी कुछ लोगों के मन में सवाल रहता है कि एक डॉलर के हमें 70 रुपए क्यों चुकाने पड़ते हैं? क्या कभी हमारा एक रुपया एक डॉलर के बराबर हुआ करता था? तो ये सच है कि भारत की आजादी के समय एक रुपया एक डॉलर के बराबर हुआ करता था। हमारे भारत की करेंसी का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। सन 1917 में एक रुपया 13 डॉलर के बराबर हुआ करता था, लेकिन जब 1947 में भारत आजाद हुआ, एक रुपया एक डॉलर कर दिया गया। आजादी के वक्त देश पर कोई कर्ज नहीं था। फिर जब 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, तो सरकार ने विदेशों से कर्ज लेना शुरू किया और फिर रुपये की साख भी लगातार कम होने लगी।